यह है Vivo Nex अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले आ गया है क्रांतिकारी फोन भारतीय बाजारों में Vivo की तरफ से जिसका कैमरा निकलता है और इसकी इसके अंदर कोई भी बेजल्स नहीं है। तो चलिए जानते हैं फोन की प्राइस क्या है, लॉन्च कब होगा और क्या रेट में भारतीय बाजारों में मिलेगा। इस कैमरे के बारे में बताने वाला वो इस तरह करके ओपन होता है। आप ध्यान से देखिए, जैसे आप फोन को क्लिक करेंगे ये कैमरा ओपन हो जाएगा और जैसे कैमरा मोड ऑफ होगा फोन कैमरा नीचे चला जाएगा, पीछे ड्यूअल कैमरा के साथ में आता है। ये जो फोन है ये काफी क्रांतिकारी फोन है जो कि आपको अमेजोन पे मिलना चालू हो जाएगा 19 तारीख से प्री बुकिंग है और 21 तारीख से आपको मिलना चालू हो जाएगा 44,990 रुपये। ये फ़ोन को आप 40,000-41,000 में पा सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कैसे मिलेगा, क्या क्या डिस्काउंट्स हैं और क्या क्या प्री लॉन्चिंग ऑफर है। फिलहाल अभी प्री बुकिंग चालू है ऑफ़र और लेकिन उसके साथ में आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ। इसको एक्सचेंज कर सकते हैं 5,000 एक्स्ट्रा के ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा आपके डिवाइस पर, नो कॉस्ट EMI है। HDFC की तरफ से 4,000 रुपये बचा सकते हैं आप इसके ऊपर, वो कैसे वो भी बताऊंगा। जियो लाइफ की तरफ से 1950 का कैशबैक है और एश्योर्ड बायबैक अगर आप 9 से 11 महीने के बीच में रिटर्न करते हैं तो 22,495 रुपये रिटर्न होगा। वन टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट अगर 6 महीने में आप करते हैं तो सिर्फ 990 रुपये अधिक देने के बाद में। तो इस तरह से कुछ ऑफर्स हैं, आपको वन टाइम फ्री रिप्लेसमेंट आपको करना है 15 अगस्त के पहले फ़ोन खरीदना होगा तो ही होगा और 6 महीने के अंदर वो करना होगा। बायबैक गारंटी ऑफर्स के तहत अगर आप फ़ोन को 9 से 11 महीने के बीच में परचेस करते हैं ये रिटर्न करते हैं यूज़ करने के बाद तो आपको उतना पैसे मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऑफर्स इसके ऊपर चल रहे हैं और अमेज़ॉन पे आप देख सकते हैं 44,990 रुपये में मिलना चालू हो जाएगा। 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ में इसमें कोई एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं होगी और इसके ऊपर कोई बीजल नहीं है। तो फ़ोन के बारे में चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ़ोन कुछ इस तरह से आएगा, अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में आएगा क्योंकि इसको 6.68 की स्क्रीन दी गई है AMOLED वाली जो कि काफ़ी पावरफुल है और इसका कैमरा जो है इस तरह से बाहर निकलता है ताकि बहुत ही बढ़िया इसमें लुक आ सके। और यहाँ पे देख सकते हैं ना कैमरा है ना कुछ है ना नॉच डिस्प्ले है, उससे भी बढ़िया है, कोई बीजल नहीं, सिर्फ स्क्रीन को कैच करने के लिए साइड साइड में फ्रेम्स लगे हुए हैं क्योंकि कैमरा को इन्होंने हाइड कर दिया जो कि एलिवेटेड निकलता है और अंदर जाता है जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। इसके अंदर डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बटन है, ये साइड में लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करते हैं आपका जो है गूगल का चालू हो जाएगा असिस्टेंट और आप उसमें स्पीक कर सकते हैं। क्यों क्या होता है कभी कभी आपको वॉइस रिकॉग्नाइज होकर वो ओपन नहीं होता, हालांकि वो ऑटोमेटिकली भी लॉन्च होता है। तो स्नैपड्रैगन 845 के ऊपर जो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाली चिप है उसके ऊपर बनाया गया है जो कि ट्रेडिशनल आपका जो 835 है उससे 30% मोर पावरफुल है ताकि बढ़िया गेमिंग्स और बाकी चीज़ें कर सके। 12 पिक्सल सेंसर है जिसमें 12 के साथ में 5 मेगापिक्सल का एकदम बढ़िया कैमरा दिया गया, काफ़ी ज़ोरदार कैमरा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पावरफुल 4000mAh की बैटरी है और आगे कैमरा जो है इसमें आपको 8MP का दिया गया है। कैमरा की स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़ोरदार है 4K का रिजोल्यूशन तक और 4 एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है और USB टाइप सी दिया गया है क्विक चार्जिंग के साथ में 4000mAh की बैटरी। प्रोफेशनल हाईफाई क्वालिटी साउंड वीवो में साउंड के लिए जाना जाता है पहले से और देख सकते हैं सिम डालने के लिए आपको नीचे से जगह है, टाइप सी पोर्ट है और एक सिंगल स्पीकर है लेकिन काफ़ी लाउड है। तो फाइल मैनेजर है और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और स्पेसिफिकेशन बता दूँ, एंड्रॉयड ओरियो है, फनटच के ऊपर चलता है ये और 2.8GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट का स्क्रीन नहीं दिखेगा लेकिन ये डिस्प्ले के ऊपर दिखेगा जैसे कि आपको पहले के फ़ोन में था इसके अंदर। तो ये 4K की रिजोल्यूशन है, सुपर एमोलेड की डिस्प्ले है, स्क्रीन रिजोल्यूशन देख लीजिए 1080x2316 यानी कि 19:3:9 का एस्पेक्ट रेशियो है स्क्रीन का, काफ़ी बढ़िया है। फ़ोन्स के अंदर सारे मोड्स आ जाएंगे आपको, सीन वाले, स्लो, बैकलाइट, HDR, लाइव फ़ोटो, बोके, पोर्ट्रेट, बाकी सारे जितने भी आज तक आपने देखे होंगे या सुने होंगे वो सारे हैं। सेंसर्स के मामले में सेंसर्स की भरमार है इसके ऊपर, सेंसर्स में गायरोस्कोप वगैरह मिल जाएगा, ई कंपास, प्रॉक्सिमिटीज मिल जाएगा आपको, सारे सेंसर्स तकरीबन जो लगते हैं वो मिल जाएगा। ड्यूल वाईफाई बैंड है और आपको बॉक्स के अंदर मैं बता दूँ टाइप सी USB केबल, फ़ोन यूज़र मैनुअल, प्रोटेक्टिव केस मिल जाएगा और 199 ग्राम का वजन वाला फ़ोन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ इसके पिक दिखा दूँ जो इस तरह से कंपनी ने रिवील किए हैं और इसका जो पैटर्न है बैक साइड में आप देखेंगे ये पैटर्न आपको शायद ही कोई फ़ोन में मिलेगा ताकि स्लिपरी डिज़ाइन ना हो, बाकी आपने ग्लास वाले डिज़ाइन देखेंगे बाकी इसमें लेकिन ये इस तरह का नहीं है। तो अमेज़ॉन के ऊपर आप आके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आपको एंड करता हूँ, मैं इस वीडियो के साथ छोड़ के जाता हूँ, फ़ोन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए।